फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टुडेज वेबिनार। और आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के जो चैलेंजेस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को आज भी फेस करने होते हैं एंड सम ऑफ द चैलेंजेस मैंने इस वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की है अलॉन्ग विद द पॉसिबल सोल्यूशन एंड माय व्यू ऑन दीज चैलेंजेस। जीएसटी आने के इतने साल बाद भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को काफ़ी मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं एंड एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने इसमें कुछ चैलेंजेस इस वीडियो में डिस्क्राइब किए हैं जो कि एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज फेस आज के टाइम पे कर रही है, राइट। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में अपनी मेल आईडी इस वीडियो के दूंगा। ओके सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे, जहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन जीएसटी में इंक्लूड कर दी गई है और उसी चैलेंजेस में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को लेकर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में सबसे मेजर और सबसे बड़ा इनपुट टैक्स जब होगा जब कोई भी पर्सन एसएससी कंस्ट्रक्ट करेगा होटल को, तो वहाँ पे बहुत मेजर इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका वहाँ पे एलिजिबल हो सकता था, बट ड्यू टू द लॉ ऑफ जीएसटी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको लिए एलिजिबल नहीं होता है। जैसे कि सेक्शन 17.5 सी एंड डी। सेक्शन 17.5 में दो क्लॉज है, एक डील करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से, दूसरा डील करता है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से। सो इन दोनों के चलते कोई भी एसएससी अगर कंस्ट्रक्ट करता है होटल तो कंस्ट्रक्शन पे जितना भी उन्होंने एक्सपेंस किए हैं उस एक्सपेंसेस पे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। हाउएवर एक उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट है सफारी रिट्रीट के केस में, जिसमें कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपकी आउटपुट सर्विसेज पे आप टैक्स देंगे, जैसे कि इस केस में क्या था, एसएससी ने कंस्ट्रक्ट करे थे मॉल और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे उन्हें आईटीसी चाहिए था, क्योंकि उस मॉल के बाद मॉल को कंस्ट्रक्ट करवाने के बाद उनको उस मॉल को रेंट पे देना था और जो रेंटल इनकम आती उन पे वो जीएसटी चार्ज करके सरकार को देते। तो उनका कंटेंशन ये था कि ये जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है ये पूरा खर्चा इन दी कोर्स ऑफ फदरेंस ऑफ बिजनेस है और जीएसटी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था लाने का कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा उसको हिट करता है ये 17.5 का प्रोविजन। तो कोर्ट ने उनकी बात सुनी और सारा कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट उनको अलाउ कर दिया। हाउएवर इस जजमेंट को आज के टाइम पे डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। तो देखने की बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या डिसीजन आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जजमेंट हमारे पास बहुत सारी नेगेटिव जजमेंट है जिसमें कि आईटीसी को डिसअलाउ किया गया है और उसके खिलाफ बहुत सारे रिट पिटिशन ऑलरेडी फाइल्ड हैं वेरियस हाई कोर्ट्स में जो कि अभी पेंडिंग है। तो नाउ एसएससी को ये कॉल लेनी है कि वो जो कंस्ट्रक्शन पे जो आईटीसी उनका मिल सकता था क्या वो उन्हें लेना है, अवेल करना है, यूटिलाइज करना है, नहीं लेना है, क्या करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लेके। तो अकॉर्डिंग टू द केस टू केस बेसिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये डिसाइड कर सकती है कि वो आईटीसी को ले ना ले या लेके खाली रख लें, यूटिलाइज ना करें तब तक कि सुप्रीम कोर्ट की इस पर कोई जजमेंट नहीं आ जाती। सेकेंड जो इश्यू आता है वो है सप्लाई टू एसईजेड यूनिट्स एंड डेवलपर। एसईजेड यूनिट और डेवलपर को जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सप्लाई करती हैं उसमें इशू क्या आ रहा था कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज अगर कोई भी सप्लाई करती है तो एज पर सेक्शन 12 जनरली जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जिस स्टेट में वो होटल सिचुएटेड है हर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वही कहा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स चार्ज करना होता है हॉस्पिटैलिटी को वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ही करना होता है। सो सारी सप्लाई उनकी जो होती है इंट्रास्टेट सप्लाई कही जाती है मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई, बट एसईजेड के केस में जो भी सप्लाई एसईजेड यूनिट को दी जाती है उसे इंटरस्टेट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है एज पर आईजीएसटी एक्ट। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएं कि आईजीएसटी लगाएं। सो उसको गवर्नमेंट ने सर्कुलर ला के क्लैरिफाई कर दिया कि अगर एसईजेड यूनिट और डेवलपर को कोई भी सप्लाई दी जाएगी विद दी बाय दी होटल तो उसको इंट्रा स्टेट नहीं इंटर स्टेट ट्रीट किया जाएगा और होटल को आईजीएसटी चार्ज करना है। एज पर सेक्शन 16 अगर हम कोई भी सप्लाई एसईजेड यूनिट्स और डेवलपर को देते हैं तो वो जीरो रेटेड सप्लाई एलिजिबल हो सकती है अगर वो एसईजेड यूनिट या डेवलपर उसे अपने ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज़ करें। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को ये इंश्योर करना है कि जो भी सप्लाई वो एसईजेड यूनिट को दे रही हैं अगर वो फॉर द पर्पस ऑफ ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज़ होंगी तो वो एक्सपोर्ट का बेनिफिट वहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। बट अगर वो ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए नहीं है तो वो जीरो रेटेड सप्लाई ट्रीट नहीं की जाएगी, लेकिन आईजीएसटी उस पे चार्ज करना होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो मैं सप्लाई एसएसजेड यूनिट को दे रहा हूँ वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए है कि नहीं है, और कौन कौन सी सप्लाई ऑथराइज ऑपरेशन में कवर होती हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक लिस्ट जारी की हुई है जिसके अंदर उन्होंने वेरियस सप्लाई को मेंशन किया हुआ है कि कौन सी सप्लाई ऑथराइज ऑपरेशन के लिए है। सो अगर होटल की सप्लाई उस लिस्ट में कवर होती है तो वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सप्लाई है जो होटल एसईजेड यूनिट्स को दे रहा है बट वो सप्लाई उस लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो एसईजेड यूनिट या होटल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को अप्रोच कर सकते हैं और उस सप्लाई को उस लिस्ट में इंक्लूड करवा सकते हैं, सो डैट होटल को जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिल सके और होटल की वो सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई ट्रीट हो सके और एसईजेड यूनिट्स को भी विदाउट टैक्स चार्ज किए एक सप्लाई मिल सके। एंड द नेक्स्ट इशू इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिटेशंस। जैसा कि हम जानते हैं जीएसटी के अंदर आईटीसी अवेल करने की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और उस रिस्ट्रिक्शन के बाद भी अगर आप आईटीसी अवेल करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसके बाद दो रूल हैं सीजीएसटी में, रूल 42 एंड 43, जो कि आप से जो भी आईटीसी प्रपोर्शनेट टू योर एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो रिवर्स करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज होटल की जो सप्लाई है उसमें होटल की हर होटल की सप्लाई में कुछ पोर्शन तो टैक्सेबल का होता है और कुछ एग्जेम्प्ट का होता है, तो उस एग्जेम्प्ट वाले पोर्शन के चक्कर में उन्हें अपना जो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो रिवर्स करना पड़ जाता है। और कुछ ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो तो पूरा ही रिवर्स करना पड़ सकता है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं वो हम इस आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अगर कोई होटल अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहा है जहाँ पे उस रूम की वैल्यू 1000 रुपये से कम है एक दिन की, तो वो जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट ट्रीट की जाएगी और होटल को उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करना। बट क्योंकि ये सप्लाई एग्जेम्प्ट ट्रीट हो गई, अब इसके रिप्लिकेशन ये है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉमन आईटीसी उस सप्लाई से रिलेट करते हैं वो होटल को प्रपोर्शनेट टू दी टर्नओवर ऑफ दिस 1000 रुपये से कम वाली सप्लाई में रिवर्स करना है और जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डैट सप्लाई आईटीसी है वो पूरे रिवर्स कर देने हैं। इसी तरह से सेल ऑफ लिकर अगर कोई भी होटल करता है तो लिकर इज अ नॉन जीएसटी प्रोडक्ट जिसको कि रूल 42 43 में कवर किया गया है और नॉन जीएसटी टर्नओवर पे भी जो भी कॉमन इनपुट है वो पूरा रिवर्स करना है। कोई भी होटल अगर रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है और उस होटल में 7500 से कम के रूम्स हैं जिन रूम का डिक्लेयर टैरिफ 7500 रुपीज से कम है, तो उस रेस्टोरेंट सर्विस पे होटल को 5% जीएसटी रेट चार्ज करना है विद द कंडीशन कि कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी उन्हें नहीं मिलेंगे। इस पॉइंट में कई लोग गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, 5% तो चार्ज कर लेते हैं और आईटीसी कॉरेस्पॉन्डिंग जो उस रेस्टोरेंट से रिलेटेड है वो तो लेते नहीं। हाउएवर रूल 42 और 43 जब हम देखेंगे तो वहाँ पे इन सप्लाईज को भी कवर किया गया है, मीनिंग देयर बाय जो भी आपके कॉमन सप्लाईज हैं, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है प्रपोर्शनेट टू योर दिस रेस्टोरेंट टर्नओवर, आपको उन्हें भी रिवर्स करना है। सेम केस विद रेंटा कैब सर्विस। इफ यू होटल इज प्रोवाइडिंग रेंटा कैब सर्विस 5% रेट पे, तो उन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्स करना है कॉमन वाला। और अगर होटल ने फॉर एग्जाम्पल अपने बिजनेस प्रमोशन के चक्कर में किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट रूम दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट सर्विस दे दी, तो एज पर 17.5 अगर कोई भी सर्विसेज गुड्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी आपको रिवर्स करना है। अगला इशू आता है एडवांस एडजस्टमेंट को लेकर के। होटल के केस में हमने देखा है कि कई बारी होटल को एडवांस मिल जाता है फॉर फ्यूचर बुकिंग्स, तो उस केस में क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं एंड क्या इशू आते हैं। सबसे पहला इशू ये है कि जिस दिन होटल ने एडवांस रिसीव किया उस दिन होटल के हिसाब से जो वो रूम है जिसके लिए वो अकोमोडेशन सर्विस के लिए एडवांस रिसीव हुआ है वो लेट सपोज 12% पे चार्ज होना था, मतलब उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 7500 से कम थी और होटल ने 12% पे सरकार को जमा करवा दिया एडवांस लेते समय। क्योंकि एडवांस के केस में तो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर होता है। अब इशू ये है जिस दिन वो एक्चुअल सप्लाई की गई उस दिन जो वो रूम था उसका टैरिफ, उसका प्राइस बढ़ गया और वो 18% की कैटेगरी में चला गया। तो अब इससे रेपगेशन क्या आई कि अब एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग द एक्चुअल लाइबिलिटी अब 18% हो गया, बट 12% पे होटल एडवांस पे जमा करा चुका है। अब होटल क्या करेगा, एक तो रिकंसिलेशन की प्रॉब्लम आएगी, दूसरा जितना भी डिफरेंस ऑफ जीएसटी है वहाँ पे जमा हो जाएगा। बट इसमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी कि एट द टाइम ऑफ डिपार्टमेंटल ऑडिट आपको डिपार्टमेंटल ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना होगा कि जिस दिन मैंने एडवांस रिसीव किया था उस दिन वो सप्लाई 12% की थी, इसलिए मैंने 12% जमा कराया। अदरवाइज ऑफिसर कहेगा कि आपको तो 18% जमा कराना था एडवांस पे, आपने 12 क्यों जमा कराया, आप मुझे इंटरेस्ट पे करिए जब तक आपने वो जितने पीरियड तक होल्ड करके रखा पैसा। तो एक ये इशू आएगा। दूसरा इशू, कई बारी होटल को जो एडवांस मिल जाता है और एक्चुअल बिलिंग के टाइम पे और एडवांस के टाइम पे दोनों टाइम जीएसटी पे कर देते हैं और एडवांस को एडजस्ट करना ही भूल जाते हैं, जिस चक्कर में एडवांस के ऊपर एडिशनल जीएसटी डिपार्टमेंट को चले जाता है। तो अगर आपका ऐसा कोई केस आता है तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एडिशनल जीएसटी आपने एडवांस के समय होटल को दे दिया है। थर्ड क्या होता है कि जैसे इनकम जो होती है आपने बुक्स में तो अक्रू कर ली बट जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका टाइम ऑफ सप्लाई हिट नहीं हुआ, तो उस केस में भी आपको रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी। एग्जांपल देते हैं, 31 मार्च को जितने भी कस्टमर होटल में रुके हुए थे जिन्होंने चेकआउट नहीं किया था, उनकी जो इनकम है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने क्या किया, उनको अक्रू करके अपनी बैलेंस शीट पर बुक कर लिया। लेकिन जब आप जीएसटी टर्नओवर देखेंगे अपनी उस मंथ की और मार्च की अगर आप इनकम एज पर बुक्स देखेंगे तो उनमें डिफरेंस आएगा और बुक्स की इनकम ज़्यादा होगी। तो इससे डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आपने बुक्स में कैसे ज़्यादा इनकम बुक करी है, क्योंकि एक्चुअली जब उन्होंने अप्रैल में चेकआउट किया तो एज पर दी जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई तो अप्रैल में हुआ, तो आप टैक्स पे करेंगे अप्रैल की रिटर्न में, लेकिन इनकम आप कुछ बुक कर चुके हैं मार्च में, तो उसका रिकन्सिलेशन आपको हमेशा रेडी रखना होगा। चौथा इशू क्या आ सकता है कि जब रेस्टोरेंट सर्विस आप देते हैं तो कई बारी हमने देखा है कि रेस्टोरेंट बिल हैंड टू हैंड जनरेट हो जाता है, उस पर जीएसटी लिखा आ जाता है। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज का क्योंकि बिल जनरेट हो गया बट एक्चुअल पेमेंट होटल को कब मिलती है, जब वो कस्टमर चेकआउट करता है उस दिन एक्चुअल पेमेंट मिलती है। अब लेट्स से 28 फरवरी को रेस्टोरेंट का बिल जनरेट हो गया और जीएसटी उस पर लिखा हुआ है, तो एज पर दी टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन वो इनवॉइस जनरेट हो गया उस दिन की रिटर्न में हमें जमा करवाना है, तो हमने फरवरी की रिटर्न में उसे जमा करवा दिया। लेकिन होटल को जो पैसा मिलता है वो मार्च में चेकआउट के टाइम मिलता है, तो ये भी एक रिकंसिलेशन का एरियाज हमेशा होटल इंडस्ट्री के लिए बना रहता है। अगला इशू आता है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का। होटल इंडस्ट्री के केस में बहुत सारी ऐसी सप्लाई होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज अ पैकेज होटल देता है, ऐसा पूरा उसको पैकेज बना के देता है। जैसे कि किसी कस्टमर को होटल ने कहा कि हम आपको रूम भी देंगे, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देंगे, हम आपको खाना भी देंगे, हम आपको पूल भी देंगे, जिम भी देंगे, स्पा भी देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ द कस्टमर होटल कस्टमाइज कर देता है उनकी सर्विसेज को। सो इसमें इशू क्या आता है, इसमें इशू ये आता है कि होटल नीड्स टू डिटरमाइन कि जो उन्होंने कस्टमाइजेशन करी है ये कंपोजिट सप्लाई में फिट हो रही है कि मिक्स सप्लाई में फिट हो रही है, और इसको डिटरमाइन करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा एज पर द जनरल प्रैक्टिस ऑफ द इंडस्ट्रीज, एज पर द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर क्या बन रही है वो। अगर वो कंपोजिट बन रही है तो उसका रिपोगेशन क्या होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई है आप वो जो उस पे जो रेट लगता है आप वो जीएसटी उस पे जमा करा देंगे। लेकिन अगर वो मिक्स बन गई तो जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा 4-5 सप्लाई में वो हाईएस्ट रेट पूरी सप्लाई पे लग जाएगा। अब होटल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपोजिट सप्लाई है पर डिपार्टमेंट कहता है नहीं ये मिक्स है, राइट, तो उस केस में होटल इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आ सकती है और होटल इंडस्ट्री पे एक्स्ट्रा जीएसटी लाइबिलिटी विद इंटरेस्ट बर्डन आ सकता है। तो इस केस में होटल इंडस्ट्री को क्या करना है, जो क्लियर कट कंपोजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल होटल रूम दे रहा है अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट, तो मुझे लगता है ये बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि ब्रेकफास्ट ज़्यादातर केस में मिलता ही है। तो अगर ये बहुत क्लियर कट कॉमन है तो आप कंपोजिट का व्यू ले लीजिए। अदरवाइज जैसे किसी होटल ने कहा कि मैं रूम भी दूंगा, जिम भी दूंगा, स्पा भी दूंगा आपको और रेंटा कैब भी दूंगा, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप सब कुछ दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं मिक्स सप्लाई में जा सकता है। इसलिए होटल नीड्स टू टेक अ क्लियर कट व्यू एंड जहाँ पे भी डाउट होता है आप सेपरेट इनवॉइस रेस कर दीजिए ई सप्लाई का, रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते तो। अगला केस है रिवर्स चार्ज एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का। देयर आर मेनी सर्विसेज जिसपे रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, तो होटल के केस में कहाँ पे इशू आ सकता है। देखिए देयर आर सर्टेन होटल जो कि मल्टीनेशनल ब्रांड है, बाहर के ब्रांड है और इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं। सो अगर बाहर के किसी ब्रांड ने अपना नाम यूज़ करने की परमिशन दिया इंडियन होटल को और वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो उस नाम पे बाहर का ब्रांड अगर रॉयल्टी चार्ज करता है तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में फिट हो जाएगी और इस पर आरसीएम इंडियन होटल को पे करना होगा। बट कई केस में ऐसा हो सकता है कि बाहर के होटल ने अपनी ही एक ब्रांच इंडिया में खोली हुई है, मैनेजमेंट सेम है और जो ब्रांड नेम उसने यूज़ करने के लिए दिया हुआ है इंडियन ब्रांच को उस पर कोई चार्ज नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। इस केस में अब प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो एज पर शेड्यूल 1 अगर यहाँ पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है तो भी इंडियन होटल को रिवर्स चार्ज लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी ऑन दी मार्केट वैल्यू। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप कोई भी सर्विसेज अपनी एसोसिएट इंटरप्राइजेस से ले रही हैं तो उस पर आरसीएम डिस्चार्ज करना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंसीडरेशन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, जो नॉर्मल आपके रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है वो तो आपको डिटरमाइन करनी ही है, जैसे कि आरसीएम की लाइबिलिटी, जैसे कि लीगल सर्विसेज, जीटीएस, स्पॉन्सरशिप, सिक्योरिटी सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। और एक और बात है कि जो लाइसेंस फीस आप पे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, लिकर लाइसेंस फीस, उस पर आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आती है। सो अगर किसी होटल ने उस पर आरसीएम पे कर दिया है तो आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। आरसीएम में फोर्थ इशू ये आता है कि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप करते हैं और उस पर जो ओशन फ्रेट CIF बेसिस पे जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपने किया, उस पर जो ओशन फ्रेट आपने पे किया, एज पर दी GST लॉ उस पर आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी आती है। हाउएवर मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड की जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट में, जिसमें कि ये कहा गया है कि CIF बेसिस पे ओशन फ्रेट पे आरसीएम नहीं लगता और उस पर आरसीएम पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कि अभी जैसे कि सफारी रिट्रीट में हमने बात करी, ये वाली जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सो अकॉर्डिंगली होटल जो है इस पे व्यू ले सकता है अगर होटल की कोई भी लाइबिलिटी इस वाले आरसीएम के अंदर आती है। कई बारी मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि यार आरसीएम तो पे कर देते हैं ना, बीइंग अ कंजर्वेटिव, क्योंकि ITC तो पूरा मिल ही जाएगा तो पे कर देते हैं। बट होटल के केस में ये बात कहीं ना कहीं ट्रू नहीं है। इसका रीज़न ये है कि लेट्स सपोज होटल को आरसीएम का पूरा ITC 100% अलाउड है, लेट्स से जितना भी उन्होंने पे किया, बट द प्रॉब्लम इज रूल 42 एंड 43, क्योंकि होटल की, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मेजॉरिटी नहीं कहूँगा, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज एग्जेम्प्ट में चली जाएगी, बीइंग इट लिकर सप्लाई, बीइंग इट 1000 रुपये से कम वाला रूम हो गया, या रेस्टोरेंट सर्विस 5%, रेंटा कैब 5%। तो होटल को चाहे वो आरसीएम का क्रेडिट हो, क्योंकि आरसीएम का क्रेडिट अगर हम बात करें और वो कॉमन में जा रहा है तो फिर रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आरसीएम का होगा पूरा ITC होटल को नहीं मिलता है, रिवर्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो अगर आप पे आरसीएम अप्लाई नहीं होता तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरा ITC तो मिलना नहीं, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा आपके आगे जाके। ठीक है, अगला इशू है GST ऑन रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विसेज। अब इसमें इशू क्या आता है कि होटल के केस में जो अकोमोडेशन सर्विसेज है उस पर रेट जो अप्लाई होता है 12%, 18% या 0%, वो डिटरमाइन होता है एक्चुअली कितने में आप रूम दे रही हैं, उसका डिक्लेयर टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पे 2 रेट अप्लाई होते हैं, 5% और 18%, और वो डिपेंड करता है डिक्लेयर टैरिफ पे कि अगर आपके होटल के अंदर कोई ऐसा रूम है जिसका डिक्लेयर टैरिफ 7500 से ऊपर है तो आपका रेस्टोरेंट पे लगेगा 18% और ITC मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा रूम नहीं है आपके पास जिसका डिक्लेयर टैरिफ 7500 से ऊपर है तो होटल को देने हैं 5% RCM पे टैक्स, 5% रेस्टोरेंट सर्विसेज पे टैक्स, और ITC नहीं मिलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि होटल को बड़ा ही अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और GST लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही देखना पड़ेगा कि डिक्लेयर टैरिफ कभी ऐसा तो नहीं हो गया 7500 से ऊपर चला गया, कम है। सो इट इज़ वेरी मच बेसिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई कि वहाँ पे तो एक्चुअल के हिसाब से है बट यहाँ पे अभी भी डिक्लेयर रखा गया है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है होटल इंडस्ट्रीज़ को। सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड कंसीडर दिस और एक ही या तो डिक्लेयर का फॉलो करे या प्रॉपर मेरे हिसाब से नॉर्मल वैल्यू ऑफ सप्लाई का यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। अगला इशू आता है गेमिंग जोन। बहुत सारे होटल जो होते हैं गेमिंग जोन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, गोल्फ का बेसिकली गोल्फ कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे गोल्फ खेल सकते हैं कस्टमर। अब इसमें इशू क्या आता है, जनवरी 2018 से पहले तो जो GST रेट लगता था इन पे वो 28% लगता था अगर आप अम्यूजमेंट फैसिलिटी को एक्सेस देते हैं, बट जनवरी 2018 के बाद क्या हुआ, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला कर दिया गया 18% में, दूसरा कर दिया गया 28। 18 में कौन सी सर्विस है, अगर आप एडमिशन करवाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में तो 18% है, और अगर आप इंटरटेनमेंट इवेंट में एडमिशन करते हैं या एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटीज़ करवाते हैं तो 28% का टैक्स है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो होटल सर्विसेज दे रहा है, भले ही गेमिंग जोन हो, गोल्फ की सर्विसेज हो अपनी प्रेमिसेस के अंदर या ओपन ग्राउंड में बाहर, वो 18 वाले में क्लासीफाई होंगी कि 28 वाले में, इसको लेके कहीं जगह कहीं ना कहीं एम्बिग्युटी बनी हुई है। और अगर आज आपने 18 में क्लासीफाई कर लिया और कल को ये पता लगता है वो 28 में जानी थी तो GST लाइबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आप पे लग सकती है। तो इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट कि आप सही अपनी लाइबिलिटी डिटरमाइन करें। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या करे, एक फ्लैट रेट कर दे और इसको सबको 18% पे ले आए सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना आ रहा है और टैक्स का जो बर्डन है वो भी लोगों के ऊपर कम आए। द लास्ट इशू इज़ रिलेटेड टू ई इनवॉइसिंग। जैसा कि आप जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज आज के टाइम पे ई इनवॉइसिंग में कवर हो चुकी है और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है B2B इनवॉइसेस पे, एक्सपोर्ट पे। होटल के केस में इशू क्या आता है कि होटल अगर B2B इनवॉइस रेज कर रहा है जिसपे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और B2B इनवॉइस में उन्होंने रेस्टोरेंट सर्विसेज का चार्ज डाला है, लिकर चार्जेस भी डाले हैं। अब लिकर तो नॉन जीएसटी है, रेस्टोरेंट जीएसटी का पार्ट है, तो ई इनवॉइसिंग कैसे रेज हो, इस इशू को रेज किया गया और सीबीआईसी जीएसटीएन ने इसको क्लैरिफाई किया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि नॉन जीएसटी और जीएसटी प्रोडक्ट एक इनवॉइस में आप डाल रहे हो और ई इनवॉइसिंग में इशू आ रहा है तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप अलग अलग कर दीजिए, होटल उसका इनवॉइस अलग कर दीजिए जिस पे जीएसटी लगता है और नॉन जीएसटी का अलग कर दीजिए और जीएसटी वाले का ई इनवॉइसिंग जनरेट कर लीजिए। इसका समाधान तो ये दिया उन्होंने। लेकिन दो ओपन इशू अभी क्या है कि सबसे ओपन इशू है आयरन जनरेशन को लेकर के। देखिए B2B इनवॉइसेस पे आयरन जनरेट करना होता है। अब होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, मानिए कस्टमर आपके काउंटर पे खड़ा है कि मुझे अभी चेकआउट करना है और B2B कस्टमर है, अब उसे चेकआउट करना है तो होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल जनरेट करके दे। अब बिल जनरेट करने से पहले मतलब कस्टमर के हाथ में इनवॉइस देने से पहले होटल को उसे आयरन भी जनरेट करना है, तो होटल के लिए बड़ी ही चायोस वाली सिचुएशन आ जाएगी कि अगर कस्टमर हैंड टू हैंड फटाफट बिल मांग रहा है, काउंटर पे खड़ा हो गया, तो पहले तो वो बिल बनाए, फिर उसको आयरन जनरेट करे, फिर आयरन उस पर आएगा, QR कोड प्रिंट करे, आयरन डाले और फिर कस्टमर को दे। तो मेरे को लगता है ये एक चैलेंज है क्योंकि होटल को रियल टाइम बेसिस पे आयरन जनरेट करने पड़ेंगे और कस्टमर को इशू करने पड़ेंगे B2B इनवॉइसेस। तो इट इज़ अ चैलेंज। थर्ड चैलेंज इज द कैंसिलेशन। अगर होटल ने एक B2B इनवॉइस जनरेट कर दिया और बाद में वो सर्विस कैंसिल हो गई तो अभी जो जीएसटी इनवॉइसिंग के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे में ही आप जो है अपना आयरन कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद जो है कैंसिल नहीं होगा। तो होटल के केस में अगर 24 घंटे तक उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कैंसिलेशन की तो वेल एंड गुड है, वो कैंसिल कर सकते हैं। बट अगर 24 घंटे के बाद कस्टमर से ये आता है कि मुझे कैंसिल करना है तो फिर इस केस में क्या होगा, क्रेडिट नोट होटल को रेज करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं एक एडिशनल बर्डन हो गया होटल पे कि पहले उन्होंने इनवॉइस रेज किया, इनवॉइस रेज अगर मानिए इनवॉइस रेज और क्रेडिट नोट अलग अलग मंथ में चले गए तो उस इनवॉइस पे पहले जीएसटी लायबिलिटी भी जमा कराओ जबकि होटल को कोई पैसा भी नहीं मिला अभी तक, और फिर क्रेडिट नोट पे जीएसटी लायबिलिटी का सेट ऑफ लो। तो ये मतलब कंप्लायंस भी बढ़ गया है इस तरीके से देखा जाए तो ई इनवॉइसिंग के चक्कर में, और डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है होटल को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहूँगा जो कि है क्लियर टैक्स का। क्लियर टैक्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ई इनवॉइसिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवाती है और API इंटीग्रेशन भी देती है, यानी कि जो हमारा होटल है वो अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में भी ई इनवॉइसिंग की API को इंटीग्रेट करवा सकता है और एक बटन दबा के ही रियल टाइम बेसिस पे 100% स्पीड के साथ हैंड टू हैंड आयरन जनरेट उनका हो जाएगा। सो इससे क्या हो सकता है कि जो होटल इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम है जो मैंने अभी डिस्कस करी उसका रेजोल्यूशन उन्हें मिल सकता है। तो ई इनवॉइसिंग क्लियर टैक्स इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट, सुपर फास्ट, कंप्लीटली रिलायबल और डेटा सिक्योरिटी भी 100% है। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेमो लूँ, यू आर नॉट श्योर अबाउट ई इनवॉइसिंग, तो आप डेमो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के आपको, और डेमो रिक्वेस्ट करके आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। फ्री होगा आपके लिए पूरा डेमो और अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आप क्लाइंट को भी रेफर कर सकते हैं क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर सो दैट उनका भी बेनिफिट और आपको भी एज अ रेफरल फीस के हिसाब से बेनिफिट मिल जाए। ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID यहाँ पे मेंशन है, सो दैट हम आपके डाउट GST के डिस्कस करेंगे। और जो भी मैंने अभी इस वीडियो में व्यू दिया है वो सारे मेरे पर्सनल व्यू थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो व्यू हैं वो डिफर करें। सो इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर व्यू वी कैन डिस्कस, राइट। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ASAP। Thank you so much for your patience listening and do like the video, subscribe the channel and share the video. Thank you.